प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन, बहुत ही टेस्टी बनेगा, स्पेशल मसालों के साथ बनाएंगे। लेकिन मसाले ऐसे होंगे जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। एक एक बैंगन हमारे खिले खिले हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी लगती है सब्जी, आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बिना देरी के हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये छोटे साइज वाला बैंगन। इसे मैंने अंदर से अच्छी तरीके से चीरा लगा दिया है और चेक कर लिया है कि हमारा बैंगन सही तो है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके अलावा लिया मैंने कुछ मसाले, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, धनिया, पीली सरसों, काली सरसों, आप चाहे तो कोई एक सरसों भी ले सकते हैं, और लाल मिर्च, चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले चलिए हम बैंगन को फ्राई करने के लिए चढ़ाते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, डाला इसमें सरसों तेल, तेल को गर्म होने देते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, डालेंगे इसमें बैंगन। बैंगन मैंने डाल दिया, धीरे धीरे करवट बदलते हुए नहीं फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हमारे फ्राई होते हैं मसालों को पीस लेते हैं। बैंगन हमारे भून चुके हैं, निकाल लेते हैं हम। बैंगन हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल हमारा इसमें बचा हुआ है, थोड़ा और सरसों का तेल इसमें हम डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, इसमें डाल दिया मैंने अपने पीसे हुए, तो इसके मैंने मसाला तैयार किया है। मसालों के साथ डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, इसके साथ ही डाल देंगे हम दो देसी टमाटर, छोटे साइज के दो देसी टमाटर मैंने काटे हैं। मसाले में जब भी आप सरसों डालें तो उसके मसालों के साथ आप टमाटर को जरूर भूनें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसालों को अच्छी तरीके से हमें भुनना है। मसाले हमारे थोड़े भुनने लगे हैं, डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अच्छी तरीके से भुनना है। दोस्तों वीडियो बनाने मुझे बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं, मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भुनना है क्योंकि हमने इसमें सरसों डाला है, तो सरसों को मसालों को थोड़ा सा भुनना पड़ता है। 3-4 मिनट हमने इसे अच्छी तरीके से भुना है, अब देख सकते हैं मसाला हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन, बेसन को मैंने पानी में घोल लिया है। मसाले भुनने के बाद ही हमें बेसन डालना है, और बेसन के साथ भी हमें थोड़ी देर तक इसे भुनना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। हल्का हल्का पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बेसन पानी को जल्दी सोख लेता है, जल्दी ठीक होने लगता है। ये टेस्टी बहुत ही, ये बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, अब बना के जरूर ट्राई करना इसको। इसको कंटिन्यू भुनना पड़ेगा क्योंकि हमने बेसन डाला है तो उसके लम्स पड़ सकते हैं, इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा, हल्का हल्का पानी डाल के बेसन का कच्चापन निकल जाए। मसाले हमारे अच्छे तरीके भुन चुके हैं, बेसन भी भुन चुका है, देख सकते हैं एक अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। गैस को हम बंद करते हैं, मसाला ठंडा होने देंगे। मसालों को हमने प्लेट में निकाल लिया है, ठंडे हो चुके हैं, बैंगन भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, एक स्पून की सहायता से हम इसमें फिल कर लेंगे। अच्छी तरीके से पूरे बैंगन हम इसको
फिल कर लेना है। गैस हमने ऑन कर दिया है। जिस कढ़ाई में हमने मसाले भुने थे उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी को गर्म होने देते हैं। पानी हमारा गलने लगा है, डालेंगे इसमें हल्का सा नमक। नमक पहले हम मसालों में डाल चुके हैं इसलिए नमक हमें थोड़ा डालना है बैंगन के लिए। पानी उबलने लगा तो मेरे थोड़े से मसाले बच गए हैं तो मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ। पानी उबलने के बाद हमें मसालों को डालना है। इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है क्योंकि इसमें बेसन ही मिला हुआ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसको वापस बॉईल होने देते हैं। पानी हमारा अच्छी तरीके से बॉईल होने लगा है। डालेंगे इसमें अपने बैंगन। फ्लेम को कम करेंगे। बैंगन हमने डाल दिया है। थोड़ी देर कर ढककर इसे पकने देते हैं। सब्जी बनते हुए 2-4 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं। देखिए पानी हमारा पूरी तरीके से सूख गया है, सब्जी हमारी बन चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। सब्जी बनके हमारी पूरी तरीके से रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। एक एक बैंगन हमारे खिले खिले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।